दोस्तों नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों नवरात्रि का व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के विपरीत कार्य करने से देवी माता रूठ जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, कन्याओं का दिल ना दुखाएं। दोस्तों भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव आने ना दें। शास्त्रों में यहाँ तक की कहा गया है कि किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। नंबर 2, घर अकेला ना छोड़ें। दोस्तों यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़ें। यानी कि घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। नंबर 3, कलह से दूर रहें। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रूठ जाती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के विवादों से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। नंबर 4, धार्मिक बातों में मन लगाएं। दोस्तों माना जाता है व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में नहीं लगाना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 5, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। दोस्तों नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी तरह से सात्विक आहार लेना चाहिए। नंबर 6, काम वासना पर काबू रखें। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से माता प्रसन्न होती हैं, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।